पूरा देश आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार मना रहा है। अपने घरों से दूर ये बीएसएफ के जवान ऑफिसर्स और भारतीय सेना के जवान और ऑफिसर्स उनको अपनी बहनों की कमी ना खले, जिसके चलते यहाँ पर जिस जगह हम मौजूद हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आखिरी गांव है प्रगवाल, जहाँ पे आप देखिए कि उनकी बहनें आज उन्हें यहाँ पर राखी बांध रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सेना के जवान हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उनको अपनी बहनों उनके अपने परिवार की कमी ना खले, जिसके चलते यहाँ पर जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कलाई पर राखी जो है वो बांधी जा रही है। कितनी खुशी की बात है आज यहाँ पे रक्षाबंधन का पावन त्योहार आप मना रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, हमें बिल्कुल भी घर की याद नहीं आ रही है। इसी तरीके से त्योहार मनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है, कमी तो नहीं खल रही है घर की? जी कभी तो खलती थी लेकिन आज नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि हम बड़ी अच्छी उसमें आए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बहनें हमको यहाँ राखी बांध रही हैं, बहुत ही खुशी का। क्या क्या वादा किया आपने बहनों से? हमने यही वादा किया है कि अच्छी पढ़ाई करें और अपने जीवन में अच्छा गवर्नमेंट के लिए कुछ करें। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे ऑफिसर्स को सुन सकते हैं। ये देखिए भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर देश की रक्षा में देश की आन बान और शान में लगे होते हैं। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कलाइयाँ हैं वो बांधी जा रही है। ये देखिए कलाइयों पे राखी बांधी जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। घर की याद तो नहीं आ रही आज? आज याद नहीं आ रही, क्योंकि इन बहनों के साथ हमें आज घर की याद नहीं आ रही। आज घर की कोई फीलिंग नहीं हो रही, वरना त्यौहार पे हर त्यौहार पे रहता है कि हम अपने घर पे जाएं, लेकिन इन बहनों के साथ हमें घर की याद नहीं आ रही। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे सेना के जवानों को सुन सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से धूमधाम तरीके से यहाँ पर जो राखी का पावन त्यौहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। कितनी खुशी हो रही है जवानों को राखी बांधते हुए? सर बहुत ज़्यादा। क्या वादा लेंगे इनसे? कि हमारी रक्षा करें देश की और हमारी। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे बच्चों को भी सुन सकते हैं, वादा लिया जा रहा है कि देश की रक्षा करें। कितनी खुशी हो रही है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, राखी बांध रहे हैं जवानों को। कोई वादा लिया अपने भाइयों से? ये तो भाई तो हमेशा हमारे उनसे वादा उनका यही है कि वो रक्षा करते हैं हमारी। हाँ। तो देश की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे आके राखी बांधी है। वादा तो हर कोई देता है, देश की रक्षा का वादा सबसे बड़ा वादा होता है। देखिए देश की रक्षा का वादा लेते हुए ये बहनें अपने भाइयों से, और आप देखिए कि मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है, मिठाइयाँ जो है वो खिलाई जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जवान ऑफिसर यहाँ पर पहुँचे हैं, इनको अपने घर की कमी ना महसूस हो, जिसके चलते ये जो इलाका है ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आखिरी गांव है, जहाँ पर बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधने के लिए आई है और पूरी तरीके से खुशी से ये परिवार ये जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।